हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड का मैथ, जो कि सेकेंड है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता क्या है इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है। आगे हमने प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि 1.1 है उसको भी अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है और इसका वीडियो भी हमने अपलोड कर लिया है। तो जो बच्चों ने, जो स्टूडेंट ने अगर अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट को नहीं सीखेंगे तो आपको सेकेंड समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट पार्ट पहले देख लीजिए, इसके बाद आप सेकेंड पार्ट को कीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या सीखेंगे बच्चों, कि इसमें दिया हुआ है नाइन्थ का कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इन अ टॉपिक ऑफ सेट्स, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है मैथ के फर्स्ट पार्ट में। आगे हम इसमें पढ़ेंगे सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है और लाइन एज अ सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं, सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी पढ़ा है, नाइन्थ में हमको थोड़ा सा और एडवांस हो गया है, थोड़ा ब्रॉड हो गया है, तो इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि जो आपको कहीं पर कन्फ्यूजन क्रिएट करे। आगे हम इसमें देख रहे हैं लाइन सेगमेंट। फर्स्ट हमको क्या पढ़ना है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के बारे में क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो लाइन सेगमेंट क्या है, द यूनियन सेट ऑफ अ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट बिटवीन ए बी। कहने का मतलब क्या है कि ए बी हमारा ओरिजिन पॉइंट या एंडिंग पॉइंट हो गया, दोनों तरह से आप देख सकते हैं, और इसके बीच में जो सेगमेंट बता रहा है कि इसमें जो हमको और भी पॉइंट्स हैं उसको हम मिला के क्या बोलेंगे, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट में एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, तो हम दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं। अगर हम ए को ओरिजिन पॉइंट माने तो बी हमारा एंडिंग पॉइंट हुआ, और बी को ओरिजिन पॉइंट माने तो ए हमारा एंडिंग पॉइंट हुआ। तो इस तरह से हमारा ये लाइन सेगमेंट का डिफिनीशन है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, जैसे दिया है दैट लाइन, इसको हम लाइन अगर बोलें तो क्या है, लाइन ए बी, या हम ए से बी तक की डिस्टेंस को बोलें तो उसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल टू ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, ए एंड बी। अगर लाइन लेंथ कितना है, लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम ए बी इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा बच्चों। ए स्क्रीन के माध्यम से समझाने का मेरा मीनिंग मतलब भी यही था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वाइट बोर्ड पे कराया जाए और इसको समझाया जाए, बस इसको आप देखते जाइए, लाइन बाय लाइन आपका आंसर क्लियर होता जाएगा। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या है, थ्योरेटिकल बेस है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे इन फ्यूचर 9th, 10th, 11th, 12th, आगे आप इंजीनियरिंग करते हैं या फिजिक्स से कुछ और भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। आगे हम चलते हैं रे। रेज के बारे में दिया है ए बी। ए बी एक रे दिखाया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिया है सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ए और बी क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, द यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन सेगमेंट ए बी। अब बता रहा है आगे कि जो यहाँ पर ए बी जो हमारा लाइन है या रेज है, इस पे पड़ने वाले ऑल पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट पी, सच दैट क्या है, ए बी पी इज कॉल्ड रे। क्यों, क्योंकि रे क्या होता है, आगे तक जाता है, ये रुकता नहीं है, इन्फिनिट आगे बढ़ते जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसको, रे ए बी, हियर पॉइंट ए इज कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ रे ए बी। देखिए, इसको हम एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं और ओरिजिन पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि रे का क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट तो रहता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, तो उसको हम रे बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने रे का डिफिनीशन समझ लिया होगा कि पॉइंट क्या है, ए बी पी आगे तक दिया है लेकिन हमने इसको क्या नाम दिया, रे ए बी, ठीक है। तो जिस तरह से इन्फिनिट लूप में जाएगा उधर के वाले पॉइंट को हम रे बोलते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे लाइन ए बी। लाइन ए बी लाइन देखिए, हमने आगे तक पढ़ा है कि लाइन का मीनिंग क्या होता है। लाइन का मीनिंग या डिफिनेशन होता है कि जो दोनों तरफ हम उस लाइन को इन्फिनिट लूप में बढ़ा सकें या बढ़ाया जाए उसको हम लाइन बोलते हैं। नाइन्थ में थोड़ा सा डिफिनेशन अलग कर दिया है लेकिन मीनिंग वही है। द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी। रे क्यों बोला गया है? क्योंकि दोनों तरफ देखा जाए तो ये रे किया का साइन रहता है, तो इसको हम पॉइंट ए की तरफ भी बढ़ा सकते हैं और पॉइंट बी की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ ए बी इज कॉल्ड लाइन ए बी। मतलब द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑफ रे ए बी एंड अपोजिट, एक तो रे किसको बोला जा रहा है ए बी, और दूसरा अपोजिट रे ऑफ ए बी, और उसके अपोजिट साइड भी अगर रे है तो हम क्या बोलेंगे, एक तो हो गया हमारा पॉजिटिव साइड, दूसरा हो गया निगेटिव साइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे ए बी, क्या लाइन। द सेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ए बी ऑलरेडी हमारा सेगमेंट है लेकिन उस सेगमेंट को क्या किए हम आगे तक बढ़ा देते हैं। इज अ सबसेट ऑफ पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। लाइन सेगमेंट हमारा एक फिक्स डिस्टेंस या फिक्स लेंथ बताता है, और लाइन हमारा दोनों तरफ इन्फिनिट लूप में बढ़ाया जा सकता है, उसको हम लाइन बोलते हैं। कांग्रुएंट, फोर्थ हम पढ़ेंगे क्या दिया है, कांग्रुएंट सेगमेंट। कांग्रुएंट सेगमेंट किसको बोलते हैं? कांग्रुएंट का मतलब होता है देखिए सेम, एक जैसा दिखने वाला या एक जैसा बना हुआ या एक शेप या एक मेजर का, जो भी उसको नाम देना है आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया इफ़ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट, एक दिया है सेगमेंट ए बी, अभी हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा, और दूसरा दिया है सी डी। अब दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस दिख रहे हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस दिख रहे हैं और इक्वल साइज दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कांग्रुएंट, इसको हम कांग्रुएंट बोलते हैं, एक जैसी स्थिति जिसकी हो। तो यहाँ लाइन ए बी इक्वल टू क्या है, लाइन सी डी दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे सेगमेंट ए बी इज द कांग्रुएंट ऑफ सी डी, या सेगमेंट सी डी इज द कांग्रुएंट ऑफ ए बी। तो दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रुएंट, अब आगे हम क्या देखेंगे कि कांग्रुएंसी की कुछ मीनिंग होती है कि कैसे हम उसको कांग्रुएंट बोलें, तो उसके लिए क्या दिया है रिफ्लेक्सिविटी। अब जैसे रिफ्लेक्शन, इसको आप समझें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई चीज़ की हम हिंदी में क्या बोलेंगे परछाई बोल सकते हैं। सेगमेंट ए बी इक्वल टू या कांग्रुएंट सेगमेंट ए बी, जो जिसका रिफ्लेक्शन सेम इक्वल रहे तो हम उसको क्या बोलेंगे कांग्रुएंट है। ठीक है, सेगमेंट ए बी इज द कांग्रुएंट ऑफ सेगमेंट ए बी, सेम दिख रहा है रिफ्लेक्शन में तो सेम दिखेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री हमने सिक्स में पढ़ा है, सेवन्थ में भी पढ़ा है, तो सिमेट्री का मतलब होता है सेम दिखने वाला या सेम साइज या सेम कैटेगरी। अब यहाँ सेगमेंट ए बी इज द कांग्रुएंस ऑफ क्या है सी डी, जो कि हम आगे देख रहे हैं लाइन में दिख भी रहा है, तो इसको हम क्या है सेगमेंट सी डी इज द कांग्रुएंस ऑफ ए बी। ठीक है, राम श्याम के बराबर है तो श्याम राम के बराबर है, मतलब एक दूसरे के अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कोई भी किसी से भी कंपेरिजन कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या दिया है इफ़ सेगमेंट ए बी। देखिए ट्रांजिटिविटी में दिया है, जैसे मान लीजिए चार या पांच ऑब्जेक्ट का हम कंपैरिजन करते हैं और पांच ऑब्जेक्ट जो हैं क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कोई ज़रूरी नहीं है कि एक का कंपैरिजन टू से किए तो हमेशा एक का कंपैरिजन टू से ही रहेगा। टू का कंपैरिजन हम थ्री से कर सकते हैं, थ्री का कंपैरिजन हम वन से कर सकते हैं, फाइव का कंपैरिजन हम वन से कर सकते हैं, फाइव का कंपैरिजन हम फोर से कर सकते हैं, फोर का कंपैरिजन हम टू से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया इफ़ सेगमेंट ए बी कांग्रुएंट ऑफ सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट सी डी इज द कांग्रुएंस ऑफ ई एफ
तो हम आगे क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ए बी इज द कांग्रुएंस ऑफ ई एफ या सेगमेंट ई एफ इज द कांग्रुएंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो हम किसी से भी किसी का कंपैरिजन कर सकते हैं अगर दोनों इक्वल वैल्यू है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आई होप कि आपने कांग्रुएंट को अच्छे तरह से समझ लिया होगा। आगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। देखिए मिड पॉइंट क्या बोलते हैं हम, किसी चीज़ का मिड पॉइंट मतलब एक सेंटर होता है, दोनों के मध्य या मिडिल में पड़े उसको ही हम मिड पॉइंट बोलते हैं। और दो पॉइंट के बीच में हमेशा मिडिल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, इस पॉइंट को आप माइंड में सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट दो या तीन या चार आएगा, हम इक्वल उसका टुकड़ा कर सकते हैं या पार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मिड पॉइंट की बात आएगी तो मिड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। जैसे 8 सेंटीमीटर कोई लॉन्ग स्केल है या कोई मेजरमेंट है तो उसका मिडिल पॉइंट क्या आएगा, टोटल डिवाइडेड बाय 2, आधा, जो 50-50 कर दे, ठीक है। तो 8 का हाफ 4 हुआ, 12 का हाफ 6 हुआ, 5 का हाफ 2.5 हुआ, तो इस तरह से उसका मिडिल आएगा, ठीक है। तो मिडिल जैसे यहाँ पर दिया है एग्जांपल में आप देख रहे हैं, इफ़ ए एम बी एंड सेगमेंट ए एम इज द कांग्रुएंस ऑफ बी एम। कांग्रुएंस मतलब क्या है, इक्वल इक्वल सेम रहेगा। तो यहाँ सेगमेंट क्या है, ए एम इक्वल टू सेगमेंट एम बी, देन एम इज क्या है, एम दोनों में कॉमन दिख रहा है, एम क्या है इसका मिड पॉइंट कहा जाएगा, किसका, सेगमेंट ए बी का। सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम, क्यों, क्योंकि ए एम इक्वल टू बी एम है, ठीक है। तो एम हमारा कॉमन दिख रहा है तो हमारा मिड पॉइंट कहेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि दिया भी है कि एवरी सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट का मतलब कि आप दो या तीन उसमें मिड पॉइंट नहीं ढूंढ सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट आएगा। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, अब हम कंपेयर कैसे करते हैं, कंपैरिजन के बारे में दिया है, 7th में हमको बताया गया है। कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, इफ़ लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज लेस देन लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। दो हमको सेगमेंट दिया है, एक आप देख रहे हैं ए बी है, दूसरा क्या दिया है, सी डी दिया है। अगर ऐसे हमको सेगमेंट दिया है तो हमको कंपैरिजन करना है। अब देखिए दो कंडीशन यहाँ होगी, या तो ए बी इक्वल टू सी डी हो सकता है, या ए बी ग्रेटर देन सी डी हो सकता है, या ए बी लेस देन सी डी हो सकता है। तो तीन कंडीशन हो सकती है जब हम किसी चीज़ को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी लाइन को या किसी मेजरमेंट को एक दूसरे से हम कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी इज लेस देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट सी डी। ए बी क्या है, छोटा है किससे, सी डी से, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज लेस देन सेगमेंट सी डी, या आगे हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट सी डी इज ग्रेटर देन सेगमेंट ए बी। और यही इक्वल रहता तो हम क्या लिखते हैं, सेगमेंट ए बी इज इक्वल सेगमेंट सी डी, या ए बी इज द कांग्रुएंस ऑफ सेगमेंट सी डी, क्योंकि इक्वल मतलब एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। द कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट डिपेंड्स अपॉन देयर लेंथ। कंपैरिजन किस पे डिपेंड करता है, उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। आगे हम देखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान में भी रखिएगा, परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट आर रेज। सेगमेंट ऑफ आर रेज दिया, सेगमेंट क्या होता है, उसका ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। और रेज में एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, ओरिजिन पॉइंट रहता है। इफ़ द लाइन कंटेनिंग टू सेगमेंट, इफ़ द लाइन कंटेनिंग टू सेगमेंट टू रेज आर अ रेज एंड अ सेगमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कि एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो ईच अदर देन द टू सेगमेंट, टू रेज आर द सेगमेंट एंड द रे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन द फिगर में हम देख रहे हैं क्या दिया है, सेगमेंट ए बी क्या है, सेगमेंट ए बी इज द, सेगमेंट ए बी पर क्या है, लाइन सी डी उसका परपेंडिकुलर कहा जाएगा, या
सी डी पर लाइन ए बी एक दूसरे का परपेंडिकुलर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको लाइन बनाया गया है, ठीक है। लाइन दोनों तरफ से देखेंगे तो दोनों तरफ से इन्फिनिट लूप में जा सकता है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ए बी इज द परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सी डी, और दूसरा हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट ए बी इज द परपेंडिकुलर रेज ऑफ सी डी, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज। इसको आप एक बार में नहीं समझ में आए तो दो बार, तीन बार, चार बार इसको लाइन को ड्रा करके आप चेक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है समझाने की, तो आप इसको अच्छे से समझ के चलिएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक लाइन बनी हुई है, लाइन का डिफिनीशन आपको अच्छी तरह मालूम है कि दोनों तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं या दोनों तरफ रेज जैसा लाइन दिखाई देगा, उसको हम लाइन लाइन बोलते हैं। सेगमेंट में ओरिजिन और एंडिंग पॉइंट आती है। बार बार हम मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सेगमेंट सी डी, सेगमेंट सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, लाइन ए बी का, एंड पॉइंट डी लाइज, और पॉइंट डी क्या है, लाइन किस पे पड़ रहा है, ए बी पर पड़ रहा है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ सी डी, देन द लेंथ ऑफ सी डी इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम ए बी, कौन से लाइन से, जो ए बी लाइन है उससे सी की डिस्टेंस कितनी है उसको बता रहा है। देखिए सी को हम ए पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस नहीं कहा जाएगा, या बी से हम जोड़ेंगे तो डिस्टेंस नहीं कहा जाएगा, सी से एक्चुअल डिस्टेंस ए बी का जो परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा, जो स्ट्रेट लाइन से हम मेजर करते हैं उसी को हम एक्चुअल डिस्टेंस बोलते हैं। तो सी और डी देखेंगे तो क्या है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। द पॉइंट डी इज कॉल्ड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ सी डी, परपेंडिकुलर ऑफ सी डी, ठीक है। देन द पॉइंट सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए, अगर इसका डिस्टेंस क्या है, ए है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, या लाइन ए बी से डिस्टेंस कितना है, ए किलोमीटर या ए मीटर या ए सेंटीमीटर, कुछ भी हम बोल सकते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे, आगे दिया है प्रैक्टिस सेट, इसमें आगे हमको प्रैक्टिस सेट दिया है, जो कि हम प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अगर इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बच्चों तो आपको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हमको कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हम आपको छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने अभी तक, मैं इसका क्विक रिवीजन कर देता हूं कि जो मैंने आपको बताया आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हमने बात किया स्टार्टिंग में लाइन सेगमेंट क्या होता है, सेकेंड में हमने रे ए बी के बारे में बात किया, फिर लाइन क्या होता है, लाइन दोनों तरफ हम इन्फिनिट लूप में बढ़ा सकते हैं, कांग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है उसके बारे में हमने समझ लिया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कांग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। प्रॉपर्टीज़ को हम जब कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, एक होता है रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा है सिमेट्री, और तीसरा है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। सिक्स में हमने समझा मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, मिड पॉइंट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ओनली वन मिड पॉइंट इन अ लाइन सेगमेंट, कहीं पर किसी का भी हम अगर मिड पॉइंट ढूंढेंगे तो ओनली वन मिड पॉइंट मिलेगा, वन से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, मिलेगा। आगे हमने कंपैरिजन को भी पढ़ा कि कंपेयर कैसे करते हैं, कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या कौन सा कांग्रुएंट है, तो हमने कंपैरिजन को भी यहाँ पर समझा। परपेंडिकुलरिटी ऑफ सेगमेंट और रेज के बारे में समझा, सेगमेंट के बारे में भी समझा और रेज के बारे में भी समझा, ठीक है। तो सेगमेंट को अगर देखें तो ए बी हमारा सेगमेंट है, और वहाँ पे क्या है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन जो बन रही है या रेज बन रही है क्या है, सी डी है, या ए बी को हम लाइन क्या बोलें, लाइन मान लें तो क्या हो जाएगा, लाइन ए बी का परपेंडिकुलर सी डी रेज हो जा रहा है, या सी डी का रेज परपेंडिकुलर रेज ए बी हो जा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट के बारे में बात किया, जैसे मान लीजिए एक रोड गया हुआ है,
रोड से क्या है, किसी का घर है या शॉप है या कॉलेज है या कोचिंग क्लास है, मान लीजिए 2 किलोमीटर है, ठीक है। अब 2 किलोमीटर कहाँ से रहेगा, जो हमारा डिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, जो हमको रोड है, रोड का जो सेंटर उससे पड़ रहा है, स्ट्रेट पड़ेगा जो उसके कोचिंग क्लास से या स्कूल से परपेंडिकुलर लाइन पर पड़ेगा, स्ट्रेट 90 डिग्री के एंगल पर पड़ेगा, वही उसका एक्चुअल डिस्टेंस कहा जाएगा। अदरवाइज उसको अदर टाइप से आप मेजर करते हैं तो डिस्टेंस रॉन्ग कहा जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 के बारे में, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर नहीं फोर्थ लेक्चर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर इसका अपलोड कर दिया है, 3 अभी हमने कंप्लीट किया, फोर्थ लेक्चर में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2। तो आई होप कि आप बच्चों अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई कीजिए दोस्तों। आप एक बार, दो बार वीडियो को देखिए, जहां पर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है आप वीडियो में देख लीजिए, आप ट्राई कीजिए, वीडियो को देख के एक बार समझ के फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो पूरी लाइफ आपको नहीं भूलेगा बच्चों, ये मेरी गारंटी और आपसे वादा है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।